मैंने जब स्टार्ट की थी अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी, तो मैंने सबसे पहले कोड स्टूडियो पे ही चालू किया था, बिकॉज मुझे बाकी प्लेटफॉर्म पता नहीं थे, मेरे सीनियर्स ने इतनी हेल्प नहीं करी थी। जहाँ पे मेरे को ये जो वीकली रैंक्स है, मेरे को वीकली रैंक में वो नंबर वन होना बहुत अच्छा लगता था। ग्लोबली जो वन था या फिर ग्लोबल रैंक वन था, वो मेरे से काफ़ी ज़्यादा आगे था, तो इतना मेरा वो नहीं था मोटिवेशन। बट बात करें वीकली नंबर वन रहने का, मेरा हमेशा से मन होता था कि मैं वीकली नंबर वन पे रहूँ। अगर 2020 की कुछ बेस्ट जॉब्स के बारे में बात करें ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड, पे या पोटेंशियल ग्रोथ, तो वो है फुल स्टैक वेब डेवलपर, जावा डेवलपर या फिर आईटी सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, ये सब। तो इन सब जॉब्स के लिए अगर तुम बात करो ये क्या रिक्वायरमेंट है, तो इनके लिए जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है कि तुम लोगों को कोडिंग आनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम लोग ये चीज़ें सीखोगे कहाँ पे। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यार कोई ऑनलाइन क्लास या कोई स्कूल ज्वाइन कर लेते जहाँ पे मैं कोडिंग सीख लूँ। कुछ सोच रहे होंगे कि लाइब्रेरी में जाके कोई बुक खोल लेते हैं। बट इधर वे यू हैव टू प्रैक्टिस। तुम लोगों को कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करनी होगी, इसके बिना तुम लोग ये जॉब्स अचीव नहीं कर सके। तो आज का जो वीडियो है, हम लोग इसी चीज पे बात करने वाले हैं कि तुम लोगों के लिए बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्या है कोडिंग के लिए, कि तुम लोग क्या क्या चीजें या कहाँ कहाँ जाके पढ़ सकते हो, तुम्हें कहाँ कहाँ अच्छे अच्छे रिसोर्सेज मिल सकती है। हाय गाइस, नमन दिस साइड। आई एम अ फॉर्मर SWE इंटर्न एट माइक्रोसॉफ्ट एंड विल बी सून ज्वाइनिंग माइक्रोसॉफ्ट एज एन SD दिस ईयर। एंड आज हम बात करने वाले हैं इसी चीज़ की कि तुम लोगों के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है, व्हाट इज़ द बेस्ट ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म फॉर यू गाइस, जहाँ पे तुम लोग जाके प्रैक्टिस भी कर सकते हो और सीख भी सकते हो। एंड इसके अलावा अगर तुमने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग तुम लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और तुम लोगों के लिए अच्छा कंटेंट लेके आने की बहुत कोशिश करते हैं, तो तुम्हारा एक लाइक और सब्सक्राइब भी हमारे लिए बहुत होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना अगर तुम्हें अच्छा लगा। एंड और मौसम वीडियोस आने वाली हैं, तो प्लीज़ स्टे ट्यून। जल्दी से चलते हैं वीडियो के अंदर और बात करते हैं कि पहला सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म क्या है जो मुझे लगा। और ये वीडियो मेरे लिए पर्सनली फेवरेट है, क्योंकि मैं तुम्हें मेरी जर्नी में बताने वाला हूँ कि मैंने क्या क्या किया और कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करी। पहली चीज़ पे आते हैं कि लीड कोड। हर जगह तुम लोग सुनते होंगे कि यार मैंने लीड कोड पे 300-400 क्वेश्चन कर लिए, 500 क्वेश्चन कर लिए, हर कोई लीड कोड की बात कर रहा होता है। अब हम जानेंगे कि ऐसा क्यों है। Why लीड कोड इज एन एक्सीलेंट रिसोर्स फॉर डेवलपर्स। यार लीड कोड का जो UI है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब लीड कोड इतना फ्लेक्सीबल है ना, कि वो तुम्हें इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करता है, और अलॉन्ग विथ फीचर्स, इतने सारे फीचर्स तुम्हें देगा ना, और इतने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन देगा। मतलब तुम लोगों को अगर डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ना है तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट चीज़ है। मतलब लीड कोड कर लो। लीड कोड इतना अच्छा है ना कि अगर तुम लीड कोड ही डिलीजेंटली फॉलो करोगे, यू गोना गेट अ वेरी गुड जॉब। तुम लोग फैंग का सोच रहे हो, फेसबुक, अमेजन, गूगल, एप्पल, जहाँ का भी सोच रहे हो ना, सिर्फ लीड कोड तुम्हें पार करा सकता है। बिकॉज लीड कोड तुम्हें इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कैटलॉग दे रहा है ना, मतलब तुम्हें और कहीं नहीं मिलेंगे। और द बेस्ट केस अब बेस्ट चीज़ अबाउट लीड कोड इज कि इनके टेस्ट केसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्रामर जिनको कोई टेस्ट केस गलत लगता है, वो जल्दी जल्दी अपडेट होता जाता है। और तुम्हें, मेरे को तो आज तक कोई टेस्ट केस गलत नहीं लगा, जो तुम्हें GFG या कहीं और मिल सकता है। आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट anything, बट देर आर सम टेस्ट केसेज जो बाकी प्लेटफॉर्म छोड़ देते हैं, लीड कोड के अंदर मेरे को अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं मिली है। एंड बिकॉज टेस्ट केस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है लीड कोड के, इट मेक्स इट वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। बिकॉज जब भी तुम लोग इंटरव्यूज के अंदर जाओगे, तुम लोग हो सकता है किसी पर्टिकुलर टेस्ट केस पे फंस जाओ। हो सकता है कि तुम्हारे इंटरव्यूअर तुम्हें कोई पर्टिकुलर टेस्ट केस दे दे जिसको पता हो कि तुम्हारा कोड नहीं कर सकता। तो ऐसी चीज़ें ना तुम लीड कोड से सीख सकते हो। अगर लीड कोड में तुम्हारा क्वेश्चन चल रहा है तो तुम लोग असर्टेन कर सकते हो कि हाँ यार, एटलीस्ट 90-95% टेस्ट केसेस तुम्हारे सही होंगे। लीड कोड के टेस्ट केसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, जो लीड कोड को एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म बना देता है। नॉन इसके अलावा डेवलपर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सेलेंट रिसोर्स है ही, और ये तुम्हें अबंडेंट ऑफ क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा। मेरे ख्याल से 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन है, विद वेरी गुड कॉम्प्लेक्सिटीज एंड जो भी डिफिकल्टी लेवल है। 14 लैंग्वेजेस के अंदर तुम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस कर सकते हो। इसके अलावा ये ना ही तुम्हें सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर्स की प्रॉब्लम प्रोवाइड करता है, बट रिलेटेड टू सिस्टम डिजाइन, डेटाबेसेस या फंक्शनल प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है। और तुम लोग MySQL के, मतलब डेटाबेसेस के भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो। तो ये एक ओवरऑल पैकेज है डेवलपर्स के लिए, जहाँ पे वो लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा लीड कोड की वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो मुझे लगती है कि यहाँ का जो डिस्कशन सेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मेरे 2 फेवरेट लोग हैं जो हैं Lee215 और Hypit। ये 2 यूजर्स इतने अच्छे अच्छे एडिटोरियल लिखते हैं। मतलब अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन के डिस्कस सेक्शन में
इन दोनों का कोई वो मिल जाए नोट या फिर कुछ भी पोस्ट मिल जाए, प्लीज उसको जरूर पढ़ना। उसके अंदर से तुम्हें काफी ज्यादा चीजें सीखने को मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कोड जिसको तुम 100 लाइन में कर रहे होंगे, हो सकता है वो वही कोड को 10 लाइन के अंदर कर दे। तो ये काफी ज्यादा मैजिक एलिमेंट या मैजिक चीजें प्रोवाइड कर देते हैं दोनों। तो प्लीज अगर तुम लोग लीड कोड फॉलो करते हो तो प्लीज यूजर्स के, जो तुम्हारे फेलो मेट्स हैं उनके सॉल्यूशन जरूर देखा करो, उनसे तुम्हें काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। ट्रस्ट मी, मैंने तो ऐसे ही किया है। और लीड कोड से तुम्हें काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। जब भी तुम लोग कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग से में जाना चाहते हो, उससे पहले प्लीज लीड कोड पे आके प्रैक्टिस करो, क्योंकि लीड कोड के अंदर इतने सारे क्वेश्चन है ना और थोड़े हार्ड लेवल के, तो तुम्हें कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग से पहले थोड़ा एक बूस्ट मिल जाएगा। तो लीड कोड इज द फर्स्ट बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो मुझे लगता है। सेकेंड की बात करते हैं, आ जाते हैं टॉप कोडर पे। तो टॉप कोडर पे तुम्हें ना काफी एलीट कम्युनिटी मिलेगी, मतलब प्रोग्रामर्स की बेस्ट कम्युनिटी मिलेगी। दुनिया के बेस्ट कोडर्स टॉप कोडर पे कॉन्टेस्ट देते हैं और ये वन ऑफ द मोस्ट एस्टैब्लिश्ड प्लेटफॉर्म है। अगर तुम बात करोगे लर्निंग के लिए, इधर बहुत सारी चीजें हैं। इनके जो कॉन्टेस्ट होते हैं वो काफी अच्छे लेवल के होते हैं, मतलब इतने अच्छे अच्छे प्रॉब्लम तुम्हें मिलेंगे ना, मतलब सी डी ई से जो लेवल चालू होता है प्रॉब्लम्स का वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है बहुत, और स्कोर्स भी बढ़ते जाते हैं हर प्रॉब्लम के, नॉर्मली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरह। बट टॉप कोडर का यूआई बहुत ज्यादा अच्छा है। और इसके अलावा लर्निंग के लिए तुम्हें काफी ज्यादा एक्सप्लेनेशन मिलेगी, एल्गोरिदम की एक्सप्लेनेशन इनके पास है टॉप कोडर्स में, बहुत अच्छे से दे रखी है एक्सप्लेनेशन। इसके अलावा इनके वीकली चैलेंजेस बहुत अच्छे होते हैं। अगर तुम लोग अपने अंदर एक कोडिंग एनवायरमेंट डालना चाहते हो, प्लीज टॉप कोडर ज्वाइन कर लो, टॉप कोडर के अंदर कॉन्टेस्ट देने लग जाओ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा इतना लर्निंग के अलावा ये लोग अर्निंग का भी एक सेक्शन होता है, जहाँ पे तुम्हें हार्वर्ड या नासा जैसी बड़ी बड़ी टेक जायंट्स जो होते हैं वो तुम्हें प्रोजेक्ट्स देती हैं, और तुम लोग वहाँ पे वो प्रोजेक्ट्स करते हो जो तुम्हें एक पैसिव इनकम ला के देता है। तो इतने सारे फीचर्स तुम्हें कोडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा ना, तुम्हें मतलब मजा आ जाएगा यहाँ पे कोड करके। और क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, जिन लोगों को भी क्वेश्चन सॉल्व करना पसंद है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा बात करते हैं तीसरी चीज की, प्रोजेक्ट यूलर। आई एम श्योर बच्चों ने सुना ही नहीं होगा ना प्रोजेक्ट यूलर है क्या। तो प्रोजेक्ट यूलर से तुम लोग नाम में देख सकते हो यूलर, और यूलर से कहाँ पे दिमाग जाता है हमारा, मैथ्स की तरफ। तो जिन लोगों को भी कॉम्प्लेक्स मैथ्स प्रॉब्लम पसंद है या उनको मैथ्स मतलब ऐसा लगता है कि हाँ मेरी रग रग में मैथ्स है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए प्रोजेक्ट यूलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है। प्रोजेक्ट यूलर के अंदर मैथ्स की इतनी टिपिकल प्रॉब्लम्स है, मतलब तुम्हें लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो मतलब एकदम ना, द बेस्ट थिंग अबाउट प्रोजेक्ट यूलर इज कि यहाँ पे क्वेश्चंस की सिर्फ एक या दो लाइन का स्टेटमेंट होता है, तुम्हारा क्वेश्चन एक या दो लाइन में खत्म हो जाएगा और तुम्हें कुछ दिखेगा नहीं। और तुम लोगों को सैंपल टेस्ट कैसे एक या दो होंगे, कई कई क्वेश्चन में होते भी नहीं है, लेकिन तुम्हें सिर्फ एक स्टेटमेंट दिखेगी या फिर एक फ्लो दिखेगा कि हाँ ये हो रहा है। बाकी हर वेबसाइट में तुम लोग देखोगे तुम्हें पैरा मिल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पैराज है, पहले स्टोरी चल रही है फिर तुम डिड्यूस कर रहे हो प्रॉब्लम पे। बट प्रोजेक्ट यूलर में एक या दो लाइन का क्वेश्चन है, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, बट ये प्रॉब्लम उतना ही हार्ड है जितना शॉर्ट है, और इसी चीज का मजा है प्रोजेक्ट यूलर में। तो जिन लोगों को प्रोग्राम लिखना बहुत पसंद है या मैथ्स बहुत पसंद है, जिनको लगता है कि मैथ्स बहुत अच्छा है, प्रोजेक्ट यूलर पे जरूर जाओ। और कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में न्यूमेरिकल एनालिसिस या ज्योमेट्री की प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा होती है, जिनके अंदर मैथमेटिकल अप्रोच काफी ज्यादा होती है, तो उसके लिए जिनको अपना आईसीपीसी रीजनल्स देना है, जो लोग सोच रहे हैं कि मेरे को आईसीपीसी देना है या गूगल के हैश कोड किकस्टार्ट और ये सब कोड जैम ये सब देना है, तो उनके लिए मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उन लोगों को प्लीज प्रोजेक्ट यूलर एक बार देखो, प्रोजेक्ट यूलर पे अच्छा, तुम्हें यहाँ पे ना इनका कोई टेक्स्ट एडिटर नहीं मिलेगा कि जहाँ पे तुम ऑनलाइन कंपाइल कर रहे हो, ऑनलाइन टेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपना कोड है खुद के एडिटर में लिख के सेव करके फाइल वहाँ पे अपलोड करनी होगी। तो इससे तुम्हारा ना दोनों जगह हेल्प होगा, एक तो तुम्हारा हाथ से खुद हैंड रिटन कोड तुम्हारा अच्छा होगा और तुम्हारी मैथ्स भी स्ट्रांग होती जाएगी। तो प्रोजेक्ट यूलर एक बहुत ज़्यादा अच्छी चॉइस है अगर तुम लोग देख रहे हो तो तुम्हें मैथ्स प्रॉब्लम पूरी स्क्रिप्ट से लिखोगे, मतलब एकदम स्क्रैच से लिखना चालू करोगे और बहुत इंटरेस्टिंग है ये। यूआई इनका इतना अच्छा नहीं है, बट ट्रस्ट मी अगर तुम लोग अपनी लर्निंग देखना चाहते हो मैथ्स में, तो लर्निंग के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म दैट आई एवर फाउंड, और ये मेरी लिस्ट में हमेशा से रहा है। प्रोजेक्ट यूलर मैं हमेशा से करते आ रहा हूँ, स्टार्टिंग क्वेश्चन काफी ज्यादा ईजी है बट धीरे धीरे एक मोमेंटम गेन होता है। फोर्थ की बात करते हैं कोडशेफ। कोडशेफ एक इंडियन स्टार्टअप है, सबको पता है आई एम श्योर, तुम लोग सब ये देखते रहते हो कि कौन 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है, 6 स्टार है, और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस जाता है, मतलब लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है कि यार मैं 4 स्टार हूँ या 5 स्टार हूँ। तो कोडशेफ एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम्हें काफ़ी अबंडेंट में पार्टिसिपेंट्स मिलेंगे, और इंडिया में तो खासकर कोडशेफ बहुत ज़्यादा ही चलता है, मतलब हर किसी को तुम लोग देखोगे हर कोई कोडशेफ कर रहा होता है, हर कोई, और ये बहुत अच्छी बात है। कोडशेफ तुम्हें इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है ना,
इतनी सारी चीज जिसकी कोई मतलब लिमिट्स नहीं है, इतने अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। वन ऑफ द बेस्ट फीचर इज कि इनका यूआई बहुत अच्छा है। यूआई अच्छा होने के साथ साथ इनके काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस के साथ कोलैब है। तुम लोग वहाँ पे क्वेश्चन भी, अगर तुमने क्वेश्चन लिखना है तुम लोग क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर सकते हो, और काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे यहाँ से जो तुम्हें तुम्हारी रैंकिंग्स भी दिख सकती है कि तुम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हो, तुम्हारा ग्लोबल रैंक क्या है, तुम्हारा कंट्री रैंक क्या है, और तुम लोग किस पोजीशन पे। और ये जो 3-स्टार 4-स्टार वाले कंसेप्ट है आपस में बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा लगता है यार खुद कहना कि मैं 5-स्टार कोडर हूँ 4-स्टार कोडर हूँ। तो कोडशेफ को प्लीज़ अच्छे से कर लो। और इसके अलावा ना इनके डिस्कशन सेक्शंस जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे हैं। तुम लोग अगर जाके देखोगे इनका डिस्कशन सेक्शन वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब उधर जो भी रिसेंटली जो भी तुम्हारा कॉन्टेस्ट हुआ है उसके सोल्यूशंस होते हैं, लोग अपने सोल्यूशन पोस्ट करते हैं, थ्रेड होता है पूरा, थ्रेड के अंदर लोग बात कर रहे होते हैं कि ये तुमने कैसे किया, ये वैसे किया। तो दिस मेक्स कोडशेफ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। इसके अलावा ना इनकी एक मतलब क्वेश्चंस की एक सीरीज भी चलती है। अगर तुम चैलेंजेस में जाके देखोगे तो चैलेंजेस के यहाँ पे डीएसए की सीरीज, यहाँ पे टॉपिक बाय टॉपिक ना इनके कुछ कुछ सेट प्रॉब्लम्स है। जैसे अगर मैथमेटिक्स की बात करोगे तो मैथमेटिक्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है। अगर सॉर्टिंग एल्गोरिथम या एसटीएल्स की बात करोगे तो इसके कुछ सेट क्वेश्चंस है। मतलब 10-10 क्वेश्चंस होंगे हर लिस्ट के अंदर। और इसके साथ साथ इन्होंने इनके वेबिनार्स की लाइव लिंक अटैच कर रखी है जो तुम वहाँ से पढ़ सकते हो। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कोडर्स ने उनका सोल्यूशन लिख रखा है और वो सोल्यूशन समझाते भी हैं, काफ़ी इंट्रैक्टिव होते हैं, और तुम्हें वहाँ से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेगी। कोडशेफ एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर तुम लोग सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा सही प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा नेक्स्ट प्लेटफॉर्म की बात करते हैं जो है कोडिंग निंजास का कोड स्टूडियो। कोड स्टूडियो अभी रिसेंटली बना है और रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ कर रहा है। और कोड स्टूडियो की एक खास बात यह है कि इनका जो क्वेश्चन बैंक है वो काफ़ी अबंडेंट है। मतलब इतनी जल्दी इतने सारे क्वेश्चंस और मल्टीपल डिफिकल्टी लेवल के इन लोगों ने ऐड कर दिए हैं। तो मेरे ख्याल से कोड स्टूडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है और काफ़ी अच्छा बूम है कोडिंग निंजास के लिए भी। काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है अलॉन्ग विथ मल्टीपल फीचर्स। मतलब ये वाले फीचर तो मैंने कहीं देखे नहीं है कि जहाँ पे तुम लोग किसी कंपनी के इंटरव्यू क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर तुम लोग को माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस देखने हैं तो तुम लोग क्या कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू एक्सपीरियंस में जाके वहाँ पे जो जो क्वेश्चन पूछे गए तुम उनको डायरेक्टली वहाँ से उठा के पिक करके कोड कर सकते हो, विच इज़ वन ऑफ द यूनिक फीचर। मोर देन 650 इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस हैं वेबसाइट पे कोड स्टूडियो पे अगर तुम जाके देखो। इवन मेरा भी ब्लॉग है, मेरा भी राइटअप है कि मेरे इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया था। और ऐसे तुम्हारे जो भी फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनकी लिस्ट है कि उनसे क्या क्या पूछा गया था। तो कोड स्टूडियो इन ऑल इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम लोग अपकोड कर सकते हो। मतलब इतने फीचर्स तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगी, और तुम लोग पीयर टू पीयर चीज़ें पूछ भी सकते हो कि हाँ क्या है। और डिस्कशन सेक्शन तो ऑब्वियसली है, तुम लोग वहाँ पे ऐड कर सकते हो कि तुम्हें क्या समझ नहीं आया। और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूजर्स आजकल एक्टिव भी हो रहे हैं। इसके अलावा इनका लीडर बोर्ड अच्छा है कि तुम लोग ये देख सकते हो कि वीकली लीडर कौन है, ग्लोबल लीडर कौन है। तो ये चीज़ें क्या हैं, तुम्हें मोटिवेट करती है। मैंने जब स्टार्ट की थी अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी तो मैंने सबसे पहले कोड स्टूडियो पे ही चालू किया था, बिकॉज मुझे बाकी प्लेटफॉर्म पता नहीं थे, मेरे सीनियर्स ने इतनी हेल्प नहीं करी थी, मैंने सारी चीज़ें खुद ने पर्सनली बेसिस पर ढूंढी थी। तो मैंने जब चालू किया था तो मैंने कोडिंग निंजास के प्लेटफॉर्म पे कोडिंग चालू करी थी, जहाँ पे मेरे को ये जो वीकली रैंक्स है, मेरे को वीकली रैंक में वो नंबर वन होना बहुत अच्छा लगता था। ग्लोबली जो वन था या फिर ग्लोबल रैंक वन था वो मेरे से काफ़ी ज़्यादा आगे था, तो इतना मेरा वो नहीं था मोटिवेशन। बट बात करें वीकली नंबर वन रहने का, मेरा हमेशा से मन होता था कि मैं वीकली नंबर वन पे रहूँ। तो ये चीज़ मेरे को क्या है, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती थी फॉर प्रैक्टिसिंग। और जब भी तुम लोग क्वेश्चन करते हो, तुम लोग इधर उधर भगते हो, तो मेरे हिसाब से तुम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे रहना चाहिए। तुम जो भी पकड़ रहे हो प्लीज़ पकड़ो, तुम लोग ये देखो कि उधर फीचर्स क्या क्या है। और कोड स्टूडियो का आईडी बहुत अच्छा है, बाय फार मैंने जितने भी कोर्सेज देखे हैं मेरे को सबसे बेटर यूआई जो लगता है, जिस वजह से मैंने कोडिंग निंजास का कोर्स लिया था दैट वाज यूआई। क्योंकि यूआई क्या होता है, यूआई तुम्हारे अंदर वो एंथू मेंटेन रखता है कि तुम्हें रहना है या नहीं रहना है। मतलब तुम लोग ऑब्वियसली प्रैक्टिस करते रहोगे और तुम्हें डीमोटिवेट होना नहीं है। जब भी तुम्हें कोई डल एनवायरनमेंट दिखे तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो इसलिए मेरे को कोडिंग निंजास का कोर्स स्टूडियो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी यूनिक था और कलर्स काफ़ी अच्छे थे, ये मेरा पर्सनल मानना है, तो इसलिए मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आज के लास्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आते हैं, दैट इज़ कोड फोर्सेज। इतना जाना माना प्लेटफॉर्म है कोड फोर्सेज, कई लोग तुम्हें बात करते हुए मिलेंगे कि मैं एक्सपर्ट हूँ, प्यूपिल हूँ, ग्रैंड मास्टर हूँ। तो ये चीज़ें ना कोड फोर्सेस पे मिलती है। कोड फोर्सेस पे तुम्हें तुम्हारी एक लेवल पता चलती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्रामर्स एक साथ प्रोग्राम कर रहे होते हैं, अनलाइक कोडशेफ। कोडशेफ से भी ज़्यादा कंटेस्टेंट एक साथ यहाँ पे कोड दे रहे होते हैं। और कोडशेफ तो फेमस है उसके लॉन्ग कॉन्टेस्ट के लिए, बट
कोर्ट फोर्सेस पे जनरली शॉर्ट कॉन्टेस्ट होते हैं दो दो घंटे के. लेवल कोर्ट फोर्सेस का इतना अच्छा है, मतलब द बेस्ट और दुनिया के जो बेस्ट प्रोग्रामर्स है, इफ यू टॉक अबाउट गैनेडी कोरतकेविच, इफ यू आर गोना टॉक अबाउट ऑल अदर्स रेड वूश और ये सब जो भी प्रोग्रामर्स है, ये सब लोग कोर्ट फोर्सेस बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं. ये सब इतने अच्छे प्रोग्रामर्स है, दुनिया के बेस्ट प्रोग्रामर्स है, वो कोर्ट फोर्सेस फॉलो करते हैं बिकॉज कोर्ट फोर्सेस इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है. इनके जो रेटिंग्स के हिसाब से जो क्वेश्चन इन्होंने दे रखे हैं वो इतने अच्छे हैं, मतलब तुम लोग जब भी इस प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करोगे तुम्हें समझ आएगा कोर्ट फोर्सेस क्यों इतना अच्छा है, बिकॉज इनके प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं. मतलब ये सब कुछ टच करते हैं, मतलब हर कॉन्सेप्ट. इफ यू गोना टॉक अबाउट ट्रीज, इफ यू गोइंग टू टॉक अबाउट अरेज, इफ यू गोइंग टू टॉक अबाउट लिंक लिस्ट, सब चीज़ों का टच रहता है. डेटा स्ट्रक्चर से लेके कॉम्पिटेटिव थिंकिंग तक कोड फोर्सेस इज द बेस्ट, और ये मेरे को इन सारे प्लेटफॉर्म से सबसे बेस्ट लगता है. और मैं पर्सनली सिर्फ कोड फोर्सेस करता हूँ. स्टार्टिंग में सारी चीज़ें करता था जो मैंने बताई, बट अब करंटली मैं कोड फोर्सेस करूँगी. कोड फोर्सेस इज वन ऑफ द बेस्ट. और कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि बहुत धीरे धीरे हम लोग अपस्किल कर रहे हैं, तो यार कभी भी ये मत देखना कि तुम लोग कितनी धीरे कर रहे हो. मेरा से मानना है कि अगर तुम कंसिस्टेंट रहोगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वन डे यू विल बी गुड. ऐसा नहीं होता कि मैं 10 दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं अभी तक अच्छा नहीं कर पाया. यार हर चीज़ में टाइम लगती है, बट ट्रस्ट मी, ये प्लेटफॉर्म से अगर तुम करोगे और डिलीजेंटली फॉलो करोगे, यू आर गोइंग टू लैंड इन अ वेरी गुड कंपनी. वेदर यू टॉक अबाउट फेसबुक, अमेज़न, एप्पल, गूगल, ये सब छोटी चीज़ें हैं. दी ओनली थिंग इज कि तुम प्रैक्टिस करो, चाहे लीड कोड करो, चाहे कोड स्टूडियो करो, चाहे कोड फोर्सेस करो. दी ओनली की फॉर गेटिंग अ गुड कंपनी इज कंसिस्टेंसी, एंड यू विल हैव टू पिक एनी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म टू गेट इट. तो कोड फोर्सेस था लास्ट हमारा. कोड फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, यूआई भी अच्छा है, तुम लोग वहाँ पे ऑनलाइन कोड भी कर सकते हो. बट मैं यहाँ पे कोड अपने एडिटर में लिख के कॉपी करता हूँ, ये तुम्हारी पर्सनल चॉइस है. बट क्योंकि कोड फोर्सेस पे एक अच्छे, इनके जो एडिटोरियल्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझाए होते हैं, और काफ़ी फेवरेट यूजर्स हैं, जैसे गैनेडी हो गया, द टूरिस्ट नाम से फेमस है. टूरिस्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्रामर्स इन द वर्ल्ड, और काफ़ी बार कोड जैम जीत चुका है, और ICPC भी. तो ये सब चीज़ें तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी जब भी तुम लोग इन लोगों को देखोगे इन प्लेटफॉर्म से. तुम्हें ये चीज़ें बूस्ट करेंगी अच्छा कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामर या फिर अच्छा डेवलपर बनने के लिए. तो दीज आर माई टॉप 5-6 कोडिंग प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म. आई एम श्योर तुम लोगों को अच्छा लगा, तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली होगी हर प्लेटफॉर्म के बारे में. तो प्लीज़ बस एक ही चीज़ है जो मैं कहना चाहूँगा, कंसिस्टेंट रहो. प्लेटफॉर्म इतना मैटर नहीं करता, बट अकॉर्डिंग टू मी ये सारे प्लेटफॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं. कोई सा भी प्लेटफॉर्म पकड़ो और प्रैक्टिस करते रहो, यू आर गोइंग टू लैंड इन अ गुड कंपनी. विद दिस हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर, बाय गाइज़.